जैन साथियों, मैं आपका केपीजे स्टार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप केपीजे स्टार के चैनल में। आज के बात करने पर यहाँ पे आर्मी क्लर्क भर्ती 2022 के बारे में। तो आप सबको बता दूं, अगर आप भी यहाँ पे आर्मी क्लर्क में भर्ती होना चाहते हैं, अगर आप भी यहाँ पे क्लर्क की भर्ती में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो पढ़ाई है वो यहाँ पे कितनी चाहिए, लंबाई कितनी चाहिए, उम्र कितनी चाहिए, जो आपकी छाती है वो यहाँ पे कितनी चाहिए 2022 में, तो आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, अगर आप अपने राज्य की आर्मी भर्ती या टीए आर्मी भर्ती के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे पूरे भारत की भर्तियों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए आपको बताते हैं कि आर्मी क्लर्क के लिए जो आपकी पढ़ाई है वो यहाँ पे कितनी मांगी जाती है, आपकी लंबाई कितनी मांगी जाती है, आपकी जो उम्र है यानी कि जो आपकी एज है वो यहाँ पे कितनी मांगी जाती है, आपकी छाती कितनी मांगी जाती है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आप देंगे। तो सबसे पहले बात कर लें आपकी जो उम्र है, आपको बता दूं यहाँ पे क्लर्क के लिए 17.5 से लेके 23 साल तक जो आपकी उम्र है वो यहाँ पे मांगी जाती है, यानी कि 17.5 से लेके 23 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप आर्मी क्लर्क की जो भर्ती है वो यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, 1 अक्टूबर 1999 से लेके, ठीक है, 2022 में अगर आप क्लर्क की भर्ती देखना चाहते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2005 के बीच यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ का, 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2005 के बीच जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2022 में क्लर्क के लिए यहाँ पे होनी चाहिए। तो हाइट की बात करूं तो आपको बता दूं पूरे भारत में जो क्लर्क की भर्ती में हाइट ली जाती है, पूरे भारत में सभी लड़कों की जो हाइट ली जाती है क्लर्क के लिए वो 162 सेंटीमीटर यहाँ पे ली जाती है, यानी कि 162 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट है वो पूरे भारत में यहाँ पे ली जाती है। आपके वेट की बात करूं तो वेट आपका जितनी आपकी लंबाई होगी उसी के हिसाब से जो आपका वेट है वो यहाँ पे लिया जाएगा। और आपको बता दूं कम से कम जो आपका वेट है 48 kg यानी कि 48 kg जो आपका वेट है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके बाद आपकी छाती की यानी कि आपकी चेस्ट की बात कर लूं, 77 यानी कि 77 आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाप मांगा जाता है, यानी कि 77 आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का जो आपका फुलाप है वो यहाँ पे मांगा जाता है। अब बात कर लूं आपकी क्वालिफिकेशन की यानी कि आपकी पढ़ाई की, तो आपको बता दूं क्लर्क के लिए आपकी यहाँ पे 12वीं पास होनी चाहिए, जिसमें आपके 60% जो नंबर है वो यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में 50% से ऊपर जो आपके नंबर है वो यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपको बता दूं बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे 58 यानी कि 58% होते हैं, 69% होते हैं, वो नहीं चलेगा। पूरे 60% अगर आपके नंबर होंगे, 60 होंगे, 61 होंगे, 62 होंगे, तभी आप यहाँ पे क्लर्क की भर्ती में हो पाएंगे, ठीक है। 60% नंबर होने ही होने चाहिए, अगर 60% से एक भी नंबर आपका कम होगा तो आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में 50% आपके जो नंबर हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपके 49 नंबर भी किसी सब्जेक्ट में होंगे तो आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा क्लर्क में। तो आपको बता दूं आज आपको अच्छी तरह यहाँ पे जानकारी मिल गई होगी कि क्लर्क बनने के लिए आपकी जो पढ़ाई है 2022 में वो यहाँ पे कितनी मांगी जाएगी, लंबाई आपकी कितनी ली जाएगी, आपकी उम्र कितनी ली जाएगी, आपकी जो छाती है वो यहाँ पे कितनी ली जाएगी, तो आपको अच्छी तरह यहाँ पे जानकारी मिल गई होगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो आप सबको पहले एक चीज बता दूं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, अगर आप अपने राज्य की एआरओ आर्मी भर्ती के बारे में या टीए आर्मी भर्ती के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे पूरे भारत की भर्तियों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।